सलावात पढ़ लो हजरत दीपक ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أمد ممدود فطل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھو حضرت ارشاد فرمائندہ ہے صاحبان ایمان اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ تو ڈرو وکونو مع الصادقین اور سچے دنال ہو بجے دوسرے مقام دوتے ارشاد فرمائندہ ورقد وصین الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا اللہ اساں تو آڈے تو پہلے اہل کتاب نو بھی یہ وصیت کیتی ہے اور توہن بھی یہ وصیت کریں ان اتقوا اللہ جو اللہ تو ڈرو ایک جگہ دوتے ارشاد فرمایا فتقون یا اولی الالباب اے صاحبان عقل میرے تو ڈرو عقل مند ہوندے ہی وہ ہے جڑا خدا تو ڈردا جڑا خدا تو نہیں ڈردا وہ عقل مند نہیں ہوندا بار بار ڈرن دا حکم دتا اس جس دا مطلب یہ ہے جو ڈر دا مورد خدا نہیں ڈرن دی شے کوئی ہور ہے خدا محبت دی شے ہے خدا ڈرن دی شے نہیں جو خدا تو ڈرو مراد اس تو ہے جو اللہ دی نافرمانی تو ڈرو جی اس دے عذاب تو ڈرو اس دی گرفت تو ڈرو اس دی جہنم تو ڈرو اس دے مواخذے تو ڈرو خدا تو ڈرن دا حکم نہیں خدا دیاں نافرمانیاں تو ڈرن دا حکم ہے ورنہ خدا تے محبت دی شے جی میں فرمایا سے ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی اگر تسی اللہ دے نال محبت رکھ دے آؤ فتبعونی میری اتباع کرو یحببکم اللہ ہو پھر اللہ تو تہاڈے نال محبت رکھ سی تو جس وقت محبت ہو گئی تو دو طرفہ تہاڈی خدا دے نال تے خدا دی تہاڈے نال وقت کسی کامیابی دے وچ شک اور شبے دی گنجائش نہیں
जी सब तो ज्यादा मोहब्बत खुदा दे नाल ही होनी चाहिए जी, सब तो ज्यादा मोहब्बत खुदा दे नाल ही होनी चाहिए, खासाने खुदा दे नाल मोहब्बत खुदा दी मोहब्बत दी फरा जी। अव्वल है खुदा ते बाद विच है खुदा दे मासूम बंदे, तो फिर खुदा दे मासूम बनने तो बाद हैं खुदा दे नेक बंदे। सारे नाल मुहब्बत दा हुक्म है, अव्वल मौरद मुहब्बत दा खुदा, और खुदा तो बाद खुदा दे मासूम बंदे, तो फिर मासूम बनने तो बाद नेक बंदे साहेबाने ईमान जी। इन्हां दे नाल भी हुक्म है मोहब्बत करन दा, मोमिन मोमिन दे नाल मोहब्बत करे जी। तो ये मोहब्बत हो ही तो सकती है जो पहले होवे खुदा नाल मोहब्बत, तो फिर होवे खुदा दे मासूम बंदे दे नाल मोहब्बत, तो फिर हो सकती है मोमिनीन दी एक दूसरे दे नाल मोहब्बत। तो जो दो पहलियां मोहब्बत नहीं तो तीसरी तो होंगी ही नहीं, पहली मोहब्बत तो बगैर तो ईमान ही नहीं होता। तो जिस वे ईमान ही कोई नहीं तो एक दूसरे के नाल मोहब्बत का के माना ईमान होवे तो मोहब्बत हो सी, तो ईमान ता हो सी जो पहले मोहब्बत हो सी खुदा दे नाल, और खुदा तो बाद मोहब्बत हो सी उसने मासूम बंदे उसने मासूम बंदे दे नाल। जनाब हजारात को पूछाया हुजूर सरवर कैनात ने, मेरी बचड़ी सब तो ज्यादा मोहब्बत कहंदे नाल है, इज नहीं फरमाया जो तेरे नाल है जी, इज नहीं बीबी जवाब देता जो बाबा मोहब्बत तेरे नाल है। बीबी अर्ज कर रहे देन बाबा मोहब्बत ते अल्लाह दे रसूल दे नाल जी। दरमियान दे विच मोहब्बत दा वास्ता रिसालत भी ले आए बाबा, मैं मोहब्बत ते अल्लाह दे रसूल दे नाल जी। तो मोहब्बत दा मौरिद पाक पैगंबर दी मोहब्बत दा मौरिद भी जनाब ज़हरा ने पाक पैगंबर दी रिसालत नू बनाया, सिर्फ बाबा होना नहीं बनाया, ते अल्लाह दे रसूल दे नाल मुहब्बत, अल्लाह दे रसूल दे नाल मुहब्बत। हजरत अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलातो व सलाम भी मोमिनीन दे नाल मुहब्बत रखते आए, बल्कि मोमिनीन दी ताजीम फरमाते, युअज़्ज़िमु अहलद्दीन अली आलद्दीन दी ताज़ीम फरमाते आए, व युहिब्बुल मसाकीन और मसाकीन दे नाल मुहब्बत रखते हैं। युअज़्ज़िमु अहलद्दीन अहलद्दीन दी ताज़ीम फरमाते आए, मसाकीन दे नाल मुहब्बत रखते आए। ओ साहिबान दीन जेडे हजरत अमीर अल मोमिनीन दी विलायत दोते मोकम और पुख्ता आए, हजरत उनादी ताजीम फरमाते हैं, हजरत उनादी ताजीम फरमाते हैं। व युहिब्बुल मसाकीन, हजरत अमीर मसाकीन दे नाल मोहब्बत रखते, मसाकीन दे नाल मोहब्बत रखते हैं। किसी मिसकीन नू नफरत दी निगाह दे नाल कदी ना आए डिठा, हर मिसकीन नू मुहब्बत दी निगाह दे नाल वेते है। रेवा जाते जांदा जो कुछ मसाकीन खुश्क रोटी दे टुकड़े अपने दस्तरखान दे उत्ते बिछा के ते खा रहे आए, हजरत अमीर कोलो गुजरे, दावत देंदे जो हजूर आओ तशरीफ ले आओ तुसी भी, मौला फरमाते हैं मैं रोजेदार हाँ, मैं अज रोजा, तो अफसोस है जो तुहाडी दावत नू मैं कबूल ना पे कर सकदा, तो मैं कल तुहाडी दावत करेंदा, तुसी सारे मेरे कोल आवे जाए तो वत रल के बह के खसा जी।
हाँ मेरा वास्ता ये उज़्र आज जो मैं रोजेदार हाँ थोड़ा नाल रल के जमीन दो ते बह के ना खा सकदा रोजा कल मेरे को वजह ना तवा रल के बह के कसा युहिब्बुल मसाकीन अली मसाकीन दे नाल मुहब्बत रख दिया है जी हजरत असहाब दे विच भी बाद लोग मसाकीन आए जी कुछ लोग आसूदा हाल भी आए जनाब मिकदाद आसूदा हाल आए जनाब अम्मार इब्न यासिर मसाकीन चो आए जनाब अबू ज़र गफारी मसाकीन दे विच आए जी अगरचे जनाब मिकदाद बहुत बड़े साहिबान ईमान आए हजरत इमाम जाफर सादिक रहे सलात व सलाम फरमाते आए जो बाद अज़ नबी जिस शख्स दे ईमान दे विच जरा भर हिक लाज़े दे वास्ते भी लगजिश नहीं आई ओ मिकदाद आए जी हर मौके दोते मिकदाद हर किसी नु तंबीह करें दे आए एक एक ही तेने पहले मौके दोते भी फरमाया जो एक एक ही तेने साहेब हक नू उसने हक तो हटा देते ने जी फिर दूसरा मौका एक एक ही तेने फिर तीसरे मौके दोते भी अब्दुल रहमान बिन औफ नू जनाब मिकदाद आखन लगे वत हुण तीसरी बार भी गलती कर छोड़ी ने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु व सलाम फरमाते आए जो ओ शख्स जिस दे ईमान इज बाद अज नबी एक लहजे दे वास्ते भी लगजिश नहीं आई ओ मिकदाद जी ओ मिकदाद है वरना बड़े बड़े बंदे भी उन्होंने कदम भी फिसल गया है बड़े बड़े बंदे दे कदम भी फिसल गया है हुज़ैफ़ा इब्न यमान जो बंदा गवर्नर है मदायन दा हजरत उस्मान दे जमाने च और फिर हजरत अमीर दा जिस वक्त दौर इक्तदार आया हजरत अमीर ने भी गवर्नरी दे उत्ते बरकरार रख्या हजरत अमीर दी बैत लैन वास्ते इलाके नू जमा कीता जमा करन तो बाद हजरत अमीर दी बैत लैन वास्ते तकरीर करनी शुरू कीती है तकरीर तूलानी आई वाकियन फसाहत व बरागत दी भरी हो आई जिस वक्त इस जुमले दो ते पहुंचे हैं जो अल आन रजा अल हक को इन्हें इला निसाले हक होण अपने मरकज दो ते आया अरब वा समझ देता आए ना कलाम दे रुमूज नू ते गहराइयां नू समझ दे आए एक बंदा उठ खड़ा वो आखन लगा हुज़ैफ़ा तेरी कलाम विच तंज है तेरी कलाम दे विच तंज है असी दूर आस है तू नेड़ा आयो असी गायब आस है तू हाजिर आयो हकीकत हाल दी तौज़ीह कर वजाहत कर औख बन गई जनाब हुज़ैफ़ा वास्ते भी जी इस मजमे आम दे विच हकायक नू वाशगाफ अल्फाज विच और उन्हां दी तौज़ीह किवें करे फरमाइंदे जरा गवर्नमेंट हाउस विच आ वञे ना तो वत मैं तैन समझैसा फिर मैं तैन समझैसा ये बंदा बड़ा पुख्ता आया मजबूत आया आखन लगा हुज़ैफ़ा तू ते वादी अकबा दा गवाह आयो इस गल नूं जरा गौर ना समझाए पता नहीं सुनी भी कोई ना उसने तू वादी अकबा दा गवाह आयो जिस वक्त पाक पैगंबर तबूक तो वापस आ रहे आए बाज लोगों ने तंग पहाड़ी रस्ते दोते रात द वक्त पाक पैगंबर दी सवारी नू डरावन दी कोशिश की थी आई जो सवारी गिरे
ते पाक पैगंबर दी वफात हो वजे जी रात तारीख आई बदल बने वे आया उदो बदल जिस वक्त लसके आया ते तू वो छे दे छे बंदे से जान ले आए जो ए कौनन जी तू ता अम्मार यासिर आयो इकट्ठे तू मुहार छिक रहे आयो अम्मार यासिर पाक पैगंबर दी सवारी नू पिछो हंकार रहे आए जी बदल लस के आया ते तू आदा मैं छे दे छे से जान लेन जी तू ते वादी ए अकबा दा गवाह आयो वत तेरे कदम किवें फिसरे ते तू किदे गियो जी वादी अकबा दा गवाह वत उधर रल गियो जनाब हुज़ैफ़ा इब्न यमान ने जवाब दिता आखन लगा सन गुमान ही ना आया जो पाक पैगंबर दी जात तो बाद लोग पाक पैगंबर दोते झूठ बोलने शुरू कर दे सन जी असाने गुमान ही ना जी आहिस्ता आहिस्ता मैं पता लगता रहा जो ए भी झूठ है ए भी झूठ है ए भी झूठ है हाँ जिस वक्त झूठा का पता लग गया मैं वत साबित कदम हो गया तो ठीक अपने ईमान दोता आ गया इहदा माना है जो हुज़ैफ़ा इब्न यमान जो बंदा इसने भी कदम फिसल गया है तो मामला बड़ा ही औखा आया जमाना बड़ा ही दुश्वार आया अपने ईमान नू महफूज करना इंतहाई मुश्किल और इंतहाई दुश्वार आ हालांकि हुज़ैफ़ा उन लोगों के जेडे इब्तिदा हज़रत अमीर अल मोमिनीन की खिलाफत बिला फसल के कौल दोते मोकम और पुख्ता है लेकिन बाद पता लगा रहा जो ये जेड़ा कुछ होता रहा पहला गलत दूआ गलत त्रीआ गलत हक तो बनता आया सिर्फ एडी का कहीं होर का तो हक बनते ही ना सन 1921 दे वेच ढाल लग गई दरियाए दजलर जनाब हुज़ैफ़ा इब्न यमान दी कबर दरियाए दजला दे किनारे त आई किसी नु ख्वाब विच फरमाया जो मैंने इत्थों कढ लियो दरिया दा कटाव शुरू है मैंने इत्थों कढ लियो तो सलमान दे नाल मैं मदाइन च वज के दफन कर जी मेरे ख्याल के बार बार ये ख्वाब होंदी रही समझण वाले ने समझा जो सच्ची ख्वाब है कबर खोली गई जनाब हुज़ैफ़ा इब्न यमान नू कबर चो बरामद किया गया कफन दी कोई तंद भी मैली ना ही होई गई है जिसम तेरे है ना अपने मकाम ते उस जमाने चूंकि अंग्रेज का तसल्लुत आया इराक दे उत्ते अंग्रेज डॉक्टर ने हुज़ैफ़ा इब्न यमान नू रिठा वो आख लगे हैरान असी किसी इंसान की अख त्रै दिन तो ज्यादा नहीं रह सकती मरण तो बाद किसी शख्स की अख त्रै दिन तो बाद नहीं त्रै दिन तो ज्यादा नहीं रह सकती असी इस शख्स दो तो हैरान है जिसनों सैकड़े साल हो गए मोया व्या तो हालां तक इसकी अखी भी सालेमन हालां तक इसकी अखी भी सालेमन जी बड़ा बंदा हुज़ैफ़ा इब्न यमान लेकिन जमाना बड़ा औखा कदम फिसल गए हुज़ैफ़ा इब्न यमान ने भी और हुज़ैफ़ा इब्न यमान नू भी अपने कदम दे फिसलन दा उजर पेश करना पिया जो क्यों मैं तिलक गया उस जी हाँ कुछ बंदे आए जिन्हां दा लगज़िश नहीं आई और बिल्कुल साबित कदम आए इन्हां नाल हज़रत अमीर दी मुहब्बत आई और इन्हां दी मुहब्बत हज़रत अमीर अल मोमिनीन दे नाल आई मत मुहब्बत दो तरफा हो गई ना ला कामयाब ही कामयाब ए आए 12 बंदे सख्त गीर और हक दे मामले दे विच ठोस और पुख्ता ए सकीफे दे फैसले तो बाद सारे एक घर दे विच इकट्ठे होए हुए आए तो कफे अफसोस मल रहे आए जो ए गलत होया छे आए अंसार चो और छे ही आए मुहाजरीन चो अंसार चो है सब इब्ने तहान आए
अनजला जो शहादत आए साहल इब्न हुनैफ आए साहल इब्न हुनैफ आए उस्मान इब्न हुनैफ आए अबू अयूब अंसारी आए और उबई इब्न काब आए। ये छे बंदे आए अंसार दे विचो, छे बंदे आए मुहाजरीन चो, सलमान आए, मिकदाद आए, अम्मार इब्न यासर आए, अबू ज़र गफारी आए और खालिद इब्न सईद इब्न आस बनी उमैया दा एक बंदा ए आया और एक बुरैद असलमी मक्के दा एक ए आया। बारह पूरे हो गए जी। ये बारह दे बारह एक गारिज बह के सकीफे दे फैसले दो तो अफसोस कर रहा है। तय ये होया जो लगे वजान मस्जिद मिंबर दबाण वाले नू जबरदस्ती लिये लहा तो जिसका हक बनता उसनू बिठा दईए। बड़ा वड्डा काम है। मखलूक एक पास इकट्ठी होई हुई है, खाना जंगी का खतरा रस्ते दोते इन बारह दे विचो एक शख्स ने आख्या जो ये मुनासिब नहीं, मौला को लगे वजां हजरत कोल इजाजत च पुछी है, अपना मनसूबा च पेश करिए, इजाजत दी उन्हें तो इं कर सा मत मसले ते इस्लाम दे खिलाफ हो। आ गए हजरत की खिदमत, दरवाजा खटखटाया, हजरत ने इजाजत फरमाई, इन अपना मनसूबा पेश किया। मौला फरमाते तुहाडा मनसूबा मसले ते इस्लाम दे खिलाफ है जी, तुसी जबरदस्ती करे सो, खाना जंगी हो सी, तुहाडे कबाइल भी तुहाडे नाल मिल वैसन, होर लोग भी कुछ मिल वैसन, कुछ उद्दा हो वैसन, हाँ लिदा इस्लाम कमज़ोर हो सी और कमज़ोर बंदे पिछले दीन दो तो हो वैसन वापस। ए खिदमत इस्लाम नहीं, इस वक्त खिदमत इस्लाम तहम्मुल च है, सबर च है, हौसले। अलबत्ता अलबत्ता वो ना मस्जिद मेरे बारे दे विच पाक पैगंबर दे कोलो जो कुछ सुने ने ओ इन लोगों दे सामने पेश करो, तो मैं भी तुहाड़िया तकरीरां सुनन वास्ते आ रहा। ठीक है जी, पहुँच गया जी। पहला मुकर्रर कौन हो सी? खालिद इब्ने सईद इब्ने आस बनी उमैया दा बंदा, कबीले वाला बंदा, लिदा इसनू तो कोई कुछ ना आख सकसी। लिदा पहला पहला मुकर्रर खालिद इब्ने सईद इब्ने आस हजरत उस्मान दा चाचे दा पुत्र, समझ आई है गल दी? और बनी उमैया दे विचो हिक्का शियाया तो पुख्ता तरीन शियाया खिलाफत हजरत अमीर उल मोमिनीन खिलाफत बिला फसल दोते मुहकम और पुख्ता आया। यह तकरीर करे सी, पहुँच गए मस्जिद। हजरत अमीर उल मोमिनीन अलैहिस्सलात व सलाम भी इनानियां तकरीर सुनने वास्ते मस्जिद दे विच पहुँच गए। उठे जनाब खालिद इब्ने सईद इब्ने आस, आखन लगे तौबा करो, इस्तगफार करो, फरामी ने पैगंबर नु चाह के तो अपनी कंड दे पिछे वगा दिता ने। क्या जिस दिन अली ने सनादी दे बनी कुरैज़ा नू कतल कीता आया पाक पैगंबर दा ए फरमान ना ने सुनिया जो मेरे तो बाद तुहाडा अमीर अली है, मेरे तो बाद तुहाडा हाकिम अली है। ए तो हुकूमत दे मुशीर आलनू ए गल गई पोड़। हाँ उठा तो आखन लगा खालिद इब्ने सईद इब्ने आस खिलाफत दे मामलात दखल देन दी तू आलियत न रखदा। खालिद इब्ने सईद इब्ने आस फरमांदे हाँ तू मैदान जंग दा डरपोक ते माल खर्च करन दा बखील, तू आहल ऐ ते मैं ना, तू आहल ऐ मैं ना जी। बड़ी कुरैज़ा ने अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। बनी कुरैज़ा दा अमन मुआहदा आया हुजूर सरवरे कायनात दे नाल, लेकिन इन लोगों ने जंग खंदक
उस खिलाफ दी, उस मुआहदे दी खिलाफ वर्जी की थी, और ए रल गए मुशरिकी ने मक्का दे नाल, मुआहदा इन्हें त्रोड़ दिता जी, ये हुण बागी हो गए। बगावत दी सजा होंदी सजा है मौत, बगावत दी सजा होंदी ही सजाए मौत है। मुजाकरात होने लग पे जो इन्हां दे बारे दे विच के करना चाहिदा, इस यहूदी कबीले दे बारे दे विच के करना चाहिदा। एक बंदा ते गया मुजाकरात वास्ते, इन्हां यहूदियां ने पूछा जो सन के करना चाहिदा, अपने आप नू पाक पैगंबर दे सामने तस्लीम कर दईए जो ओ साडे बारे दे विच जिहड़ा फैसला फरमैन असी उस फैसले नू कबूल कर लईए। इसने जाहिरन ताक है जो अपने आप नू हजरत दे सामने तस्लीम कर दियो, लेकिन उंगली दे नाल अपने गले दे उत्ते इशारा कीता जो कत्ल हो वैसो, यह खयानत आई। ये तो पाक पैगंबर दी तरफो सफीर हो के गया, आया है भी मुखलिस भी, पता नहीं ये गलती क्यों हो गई होना जी। इत्थे विद आयत खयानत उतरी, हुण के बनदा जी? जी मामला तो वाजे हो गया, खयानत खयानत दी गल आई, हुण के है जी? अपने आप नू मस्जिद दे विच सितून दे नाल बंद दिता। अबू लुबाबा इस दे नाल, अबू लुबाबा जी ओ सितून हुण भी मौजूद है, या तो ओ सितून मौजूद है तो या उसी जगह दे उत्ते सितून है जिसनु आदेन सितून है अबू लुबाबा। रियाजुल जन्नत च, रियाजुल जन्नत च सितून ए अबू लुबाबा। इसने अपने आप नू सितून दे नाल बन दिता, जब तक मेरी तौबा कबूल ना हो सी इस खयानत दे बारे जिहड़ी मैं कीती है, और मैं उन्हां दे सामने इशारा कीता जो अगर अपने आप नू पाक पैगंबर दे सामने तस्लीम करें दे हो ते सारे दे सारे कतल हो वै सो जी। हुण वधदा पिया समझ आ गई है, कई दिन सितून दनाल अपने आप नू बद्दी रख्या जी, आखिर आयत तौबा उतरी है जी। अबू लुबाबा दी तौबा कबूल हुई है जी, इतला दिती गई है तेरी तौबा कबूल हो गई है, अपने आप नू खोल छोड़। आखिर लगा ना खुलें, अपने आप नू ना खुलें, जब तक खुद पाक पैगंबर आके मैं न खुले सन मैं उस वक्त तक इस सितून दी जान ना छुड़ेंदा जी। हुण खुद पाक पैगंबर ने अबू लुबाबा नू उस सितून तो आजाद फरमाया। इख्तिलाफ चल रहा जो के होना चाहिए इन्हां दे बाद, उन्हें भी आखे सन साद बिन माज बतौर हकम मंजूर है। साद बिन माज असन बतौर हकम मंजूर है। हुजूर सर्व कहरात भी फरमाया भी सन भी साद बिन माज बतौर हकम मंजूर है जी। साद बिन माज नू एक तीर लगाया जी, और खून कसरत दे नाल निकल गया है। दुआ मंगी आने मेरे अल्लाह मैं उस वक्त तक मौत न दई जब तक इन यहूदियों नू मैं जलीलो खुआर होंदा ना वेख ले जी। हुण यहूदियों का ख्याल है जो साढ़े हक च फैसला करे सी, तो अंसार दे विचो भी जिन्हें लोगों की पुरानी दोस्ती आई इन यहूदियों दे नाल ते लैण देण आए जी, ओ भी साद बिन माज नू आदे थोड़ा हौला हथ रखी जी, लेकिन नहीं साद बिन माज तो इंसाफ का हुक्म करना समझ आ गई है। साद बिन माज ने हुक्म लगाया इन्हां दे मर्दां नू कतल कर दिता वंजे, इन्हां दियां औरतां नू कनीजा बना लिया वंजे, बच्चे नू कनीजा बना लिया वंजे, और इन्हां दे अबवाल नू लूट लिया वंजे जी। हुजूर
सर्व कैनात ने फरमाया जो साद ओ फैसला कीता जेड़ा जात आदियत ने अरश कीता, साद ने ओ फैसला कीता। हुण किले दे विचो एक एक नू काट के ते लै आदे, एक खंदक खट्टी होई जी, बगावत दी सजा हो रही है, एक एक नू काट के ते लै आदे। हजरत अमीर अलैहिस्सलाम दे हथ दे विच तलवार है, हजरत हर आवन वाले दा सर उड़ा दे देन। जिस वक्त इन्हां दा वड्डा सरकश जिस इन्हां गुमराह कीता आया और मुशरकीन दी मदद वास्ते तैयार कीता आया, हय इब्ने अख्तब ओ जिस वक्त हजरत दे सामने आया, एक अजीब जे जुमला उसे इस्तेमाल कीता, हाँ आखन लगा कतलतुन शरीफा बे यदे कातिलिन शरीफिन, ए एक शरीफाना कत्ल हो रहा एक शरीफ दे हत्थों। अरबा दे मिजाज च यह गल तो आई ना, हाँ किसी बड़े बंदे और किसी शरीफ दे हत्थों कत्ल होण नू कोई ओ आर ना है समझदे, हाँ इसी वास्ते हय इब्ने अख्तब आखन लगा कतलतुन शरीफा बे यदे कातिलिन शरीफिन, ए एक शरीफाना कत्ल हो रहा एक शरीफ दे हत्थों। जी हजरत अमीर अल-मोमिनीन तमाम बनी कुरैज़ा नू कतल कर छोड़िया और हजरत ने फरमाया जो मेरे तो बाद तुहाडा अमीर अली है, मेरे तो बाद तुहाडा हाकिम अली है, खालिद इबने सईद इबने आस ने लोगों नू आख्या पैगंबर दा ए फरमान भूल गया हो। हुण तकरीरां दा सिलसिला शुरू है, जनाब सलमान फारसी उठे, आखन लगे मैं पाक पैगंबर कोलो सुने आया जो मेरे तो बाद अली और अली वाले नू मखसूस किस्म दे जानवर घेर लै सन। मैं सुचेंदा उस हजरत दी मुराद इस तो के है जी, ये हुण पता लगा जो ओ जानवर तुसी आओ, ये बड़ी गल आई जी। इत्थे तो हुकूमत दा मुशीर आला तड़प के उठा, बन्ना जनाब सलमान नू मारन वास्ते, हजरत अमीर डिठा जो ये तो गया सलमान दा, हजरत अमीर भी उठे और जल्दी जल्दी कदम उठाए और उसने कमरे चो हथ रख के तो पीछे बगाया तो फरमाया तू कौन होना सलमान दा वजन वाल, तू कौन होना सलमान दा वजन वाला, युअज्जिमु अलद्दीन व युहिब्बुल मसाकीन, अली अलद्दीन दी ताजीम फरमांदे आए और मसाकीन दे नाल मुहब्बत रखते आए। हजरत अमीर दे साथी बड़े वफादार आए जी, अगर जे थोड़े आए लेकिन बड़े वफादार आए, लेकिन कुजा हजरत अमीर दे साथी और कुजा निवास है पैगंबर दे साथी जी, जिन्हां रात नूं ही यकीन हो गया आया जो आवन वाला दिन असाडी शहादत दा दिन, बड़े बाहिम्मत बड़े हौसले और सबर वाले हिक हिक जो वेंदा रहा, मौला लाश शाह के आने दे रहे या चवा के तो आने दे रहे। जिस वक्त जनाब मुस्लिम बिन औस या गिरे, हजरत हबीब समेत मुस्लिम दे सर दोते पहुंचे, जनाब हबीब आखन लगे मुस्लिम अगर मैं तेरे तो बाद जिंदा रहना होंदा ना तो मैं तेरे को पुछिया जो कोई वसीयत करनी है तो कर ले, लेकिन मैं तेरे तो बाद जिंदा कोई नहीं रहना। जनाब मुस्लिम इब्ने औस ने खफीफ जा इशारा हजरत इमाम हुसैन दी तरफ कीता और आखन लगे उसी का बिहाजा हबीब मैं तन इस फरजंद पैगंबर दी वसीयत करे ना जो इस दोता अपनी जाना कुर्बान करे। नहीं खुद हिम्मत दा पहाड़ है,
लाशां चाह चाह कर रहा रहा खेमे दे सामने जेड़ा शामियाना बनाया वे ने उस दे तले जोड़ जोड़ के ते रखदा रहा। किसी वक्त ढा नहीं निखती, रोंदे जरूर रहे हो सन, लेकिन किसी ने रोण दी आवाज नहीं सुनी सिवाय एक जात जी। कई मौकों ते औखा ते डाढ़ा होया जी, बड़ा औखा होया जिस वक्त अपने जवान पुत्र अली अकबर नू रवाना किया। उस ना अली अकबर इजाजत पूछ के सवार होया है, टुर पया है, मौला पीछे पीछे टुर पया। यो जिवें प्यारे पुत्र कहीं औखे सफर ते वंज रहे हो, ते जब तक उन्हां दी कंड नजर आंदी रांदी ने मां प्यो वेदा रांदा निवास है पैगंबर पीछे पीछे टुर पे। फिर खड़े हो गए, अपने दो हाथ अपनी रीश अकदस दे तले रखे और सर झुकाया। व अरखा आए नहे अपनिया दो अखी झुकाइयान वस पयान और दरगाह खुदा दे इन्ना अल्फाज दे नाल अर्ज की अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम, मेरे अल्लाह इस कौम दो ते तू गवार भी। फकत बरज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खलकन व खुलकन व मंतिकन, इन्हां दे मुकाबले दे विच ओ जवान वंज रहा जिहड़ा रफ्तार गुफ्तार आदात खसरात दे लिहाज दे नाल तेरे नबी दे मुशाबे आया। जिस वक्त सन तेरे नबी दी ज़ियारत दा शौक हो गया नजर ना इला वजह असी इस जवान दी तरफ दिया से टुर गए, थक पे। हजरत अली अकबर थक पे, प्यास दी शिद्दत है। वत वापस आए बाबे कोलो घुट पानी दे चमंग जी, मतलब है घुट पानी दे पिवेंदे हो। इस वास्ते जो कदी बाबे कोई सवाल मेरा रद ना कीता, बे मौसमे फल मंगी आ जन्नत जो मंगवाने पौसा तो मंगवा के देना आया, आज घुट पानी दे ना देसी। वापस आए और बाबे दी खिदमत विच इन्ना लफ्जा दे नाल पानी मंगया, बाबा अल आतश कद कतलनी मैं प्यास मार मुकाई व सिकलुल हदीद अजहदनी, मैं लोहे दे भार थका छोड़ी फहाने ला शरबत मिनल माए सबीर, एक घुट पानी दा हो सकता। यकीनन निवास है पैगंबर ने परेशान होकर अपने जवान पुत्र दी तरफ डिठा, फरमाते मेरा बचड़ा अपनी जबान जरा मेरे मुँह दे विच रखे ना। अली अकबर ने अपनी जबान बाबे दे मुँह दे विच रखी है, जल्दी दे नाल उठा गर्ज कर दे, बाबा हुजूर दी जबान ते मेरी जबान दे नालों ज्यादा खुश्क है। फरमाते मेरा पुत्र वाजना हाँ नाना कौसर दे जवाब जा लैके खड़े ही पेवैसिया ते कदी भी प्यासा ना होसी ते मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा। हुण गए अली अकबर मशगूल कारजारन, आ कई लोगों नू कतल किया, आखिर त्रै जरबा दे नाल जीने जो जीने सफरस दे विचो उछले, एक गुर्द लगा सारे च, एक तलवार लगी है सारे च, एक तीर लगा हलक दे विच उछले घोड़े दी जीने चो गर्दन ही चा लगे, घोड़ा दुश्मन दरमियान दौड़िया। फकत सुयूफे मेरबा निरबा, दुश्मन ने हुसैन दे लाल दे टुकड़े टुकड़े कर दिते, आवाज दिती है अदरिकनी या बता, बाबा मेरे सर उत्ते पहुंचो। निवास है पैगंबर उठे न, पता नहीं कि वह उठे न टुरे न मैदान दी तरफ, अखी दा गया देरा छाया होया और पुछते वह देन किथे लत्था आओ मेरे अली अकबर, किथे जनिया आओ मेरे अली अकबर, पुत्र दी लाश दे करीब वज के दो जानू बैठे न, अपना रुखसारा जवान दे रुखसारे ते ज रख्या, बेवस हो के ते ढा निकल गई है और फरमाया अला दुनिया बाद कल
आफा या बुनैया, मेरे पुत्र तेरे तो बाद मेरे सामने से दुनिया ते खा गई। कतल अल्लाह कौमन कतलूक, ओ खुदा उस कौम नु कतल करे जिन्ह तैन कतल कीता। फिर इब्ने साद की तरफ खिताब करके फरमाते हैं, इब्ने साद कतल अल्लाह रहमा को, खुदा तेरी नस्ल नु कतल करे मेरे शबीए पैगंबर नु खाक और खून च रला दिते। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم। मेरे मालिक इस मजलिस मुबारक दा सवाब मरहूम यार मोहम्मद दी रूहे पुर फतूर इनायत फरमा, उन्हां दे सगायर कबायर माफ़ फरमा, दरजात नू बुलंद फरमा, पसमानगान नू दीन दुनिया दे विच मुवफ़क और मुअय्यद फरमा। आखिर च एक दफा सूरे हमद पढ़ लियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिहक्कि मुहम्मदिन व आलिह। Allah